अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक। आज आपको जो वीडियो देने चाह रहे हैं वो एक बाहिमत खातून की है। हैं तो वो जर्नलिस्ट लेकिन एग्रीकल्चर पर बहुत काम कर रही हैं। उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, फार्मर कम्युनिटी के लिए काम करती हैं। तो ये कंसल्टेंट हैं रसीन तौर पर और बड़ी कम्पिटेंट हैं। आइए आपका इनसे तारफ़ कराता जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़रा आप अपना मेरे नाज़रीन को तारफ़ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम कुदसिया मुमताज़ है। मैं एग्रो फोकस पाकिस्तान की सीईओ हूं और हमारी कंपनी जो है वो किसानों को जो गैर रिवायती फसलें हैं उनके लिए सहूलतकारी फराहम करती है, मुकम्मल तकनीकी सहूलतकारी फराहम करती है। उसके अलावा हम किसान को मार्केट तक रसाई भी देते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट तो हम एक्सपोर्ट में भी उनकी मदद करते हैं। अगर वो वैल्यू एडिशन की तरफ आना चाहते हैं तो उसके लिए हम उनको यूनिट इस्टेब्लिश करके देते हैं, मुकम्मल फैसिलिटेशन देते हैं। अगर वो सिर्फ लोकल मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर भी उनको सहूलत देते हैं। इसके लिए आप मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरत है और ये छोटे पैमाने पर अगर घरेलू स्तर पर जब कर रहे हैं तो उसको ज़रा रहने में दें, ताकि हमारे यहाँ छोटे छोटे लोग हैं, छोटा छोटा सरमाया उनके पास, घरेलू स्तर पर वो काम कर सकते हैं, उनके लिए रहनुमाई के लिए ज़रा बताइएगा। इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मशरूम लगाई जाती है इसका मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं, क्योंकि लोगों पाकिस्तान में लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा जानी पहचानी चीज़ नहीं है। तो मशरूम बेसिकली दो किस्म की होती है। एक वो होती है जो खाई जाती है खानों के अंदर, जैसे आपने पिज्ज़ा में देखा होगा इस्तेमाल होती है, या आप कभी किसी स्टोर पे गए हो आपने देखा हो तो वो जार के अंदर जो है वो छोटा सा जार होता है, उसके अंदर मशरूम थोड़ी सी होती है, काफ़ी महंगी बिकती है। तो एक तो वो खाने वाली मशरूम होती है जो खानों के अंदर इस्तेमाल होती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो बटन मशरूम होती है। वैसे तो उसकी बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं, दुनिया भर में सारी वैरायटीज़ खाई जाती हैं। उसके अलावा जो दूसरी मशरूम की किस्म होती है वो मेडिसिनल मशरूम होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा कॉडिसेप्स मशरूम होती है, जो बेशुमार बीमारियों में इसका के इलाज के लिए उसका इस्तेमाल होता है दुनिया भर में। पाकिस्तान से भी कुछ लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको और इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी वैल्यू बहुत हाई है। यानी अगर मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कम से कम 5 से 6 लाख रुपये पर के जी उसकी वैल्यू होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मशरूम की जो फार्मिंग होती है वो थोड़ी सी टेक्निकल होती है। उसमें ये है कि अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग हो, एक्सपर्ट आपके साथ मौजूद ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको हर लेवल पर हर स्टेज पर मुख्तलिफ टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए होता है, कार्बन की इसके अंदर अमाउंट आपको जो है वो कंट्रोल करना होता है, और इसी तरह की टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको कंट्रोल करना होता है। ये हम रूम के अंदर लगाते हैं, यानी कमरा होता है उसके अंदर हम लगाते हैं। तो एग्रो फोकस जो है ये फैसिलिटी भी लोगों को दे रहा है कि अगर आप अपना सेटअप लगवाना चाहते हैं कमर्शियल बेसिस पर, कि जिसके ज़रिए आप मुनाफा कमा सकें, तो हम 30x15 का जो है रूम का साइज़ होता है उसके अंदर हम इसकी फार्मिंग करवाते हैं लोगों से। ज़रा ये भी बता दीजिए इस पर कॉस्ट कितनी आती है, खर्चे कितने आते हैं, इसकी डिटेल ज़रा थोड़ी सी बता दें। देखें, कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप किस किस्म का सेटअप लगाना चाहते हैं। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो अगर आप कम गुड़ डालते हैं तो कम मीठा होता है। लेकिन क्योंकि हमारा काम जो है वो ये है कि जो लोग या स्पेशली ख़वातीन इस तरफ आना चाह रही हैं, या फैमिली यूनिट होते हैं ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में क्योंकि फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो अगर घर का सरबराह या ख़वातीन मिलकर ये काम करना चाह रही हैं, इवन बच्चे भी, तो हम कोशिश करते हैं कि ये कम से कम कॉस्ट में इसको हम एक सेटअप बना कर दे दें, ताकि एक फैमिली जो है उसे अपनी अर्निंग शुरू कर दे। तो जहाँ तक कॉस्ट का ताल्लुक है तो हम इसको तकरीबन जो मिनिमम कॉस्ट है वो हम 60,000 से 1 लाख तक की कॉस्ट में भी इसको बना देते हैं, और अगर आपने बहुत ही कोई हाईटेक किस्म का प्लांट लगाना है तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो 16-17-18 लाख तक भी जा सकती है। इसके बीज सीडलिंग वो मार्केट में अवेलेबल है, क्या तरीक़ेकार है, कहाँ से मिलते हैं, ज़रा ये मेरी आम लोगों को ज़रा बताइए। देखिए, ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। स्पॉन्स लोग देते हैं, स्पॉन्स कहलाते हैं, ये स्पॉन्स लोग बेचते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम या तो आ जाती है, आपको बहुत देखभाल के मतलब स्पॉन्स लेने पड़ते हैं, बहुत ही काबिल एतमाद जो आपके ग्रोवर हैं हम खुद उनसे बाय करते हैं। लेकिन अभी हमारा इरादा जो है वो एक लैब की इस्टेब्लिशमेंट का इंशाल्लाह, तो वहाँ पर हम अपने स्पॉन्स जो है वो खुद प्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। यहाँ पर
पाकिस्तान में मार्केटिंग निज़ाम बहुत फुरसुदा है, फार्मर चीज़ पैदा कर लेता है उसके बाद उसको खरीदार नहीं मिलता, क्या यहाँ पर भी यही कोई साइंस है? अगर है तो कोई मार्केटिंग का निज़ाम का मौजूद है तो ज़रा बताइएगा कौन पर खरीदार है और कैसे फार्मर इसको प्रॉफिट करें। जी बिल्कुल, मार्केट का एक प्रॉब्लम होता है, फार्मर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ग्रो करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसको मार्केट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कहीं अपनी फसल लेकर बैठा तो नहीं रह जाएगा। तो मशरूम के हवाले से अगर मैं स्पेशली पर्टिकुलरली इस बारे में बात करूं तो मशरूम की मार्केट कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ रही है, और स्पेशली कराची में, इस्लामाबाद में इसकी बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। ये जो आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा ये जाती है। अगर आप मेडिसिनल मशरूम की तरफ आ जाते हैं तो ये एक्सपोर्ट होती है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट होती है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर लोकली काम कर रहे हैं या उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये मार्केट इसकी अवेलेबल है और माशाल्लाह बहुत दिन ब दिन ये ग्रो कर रही है। मार्केट का इशू एज सच नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं कि बिल्कुल नई चीज़ है, ऐसा नहीं है। एक लिमिट में 1,00,000 रुपए से अगर ये कारोबार शुरू करता हूँ तो 1,00,000 रुपए से उसमें इन्वेस्टमेंट में उसको प्रॉफिट रेशियो कितनी है? लोग ये देखते हैं कि उसको इतना लगाऊंगा तो मैं मिलेगा कितना, तो कम से कम अगर इतना मिलता है तो फिर उसको बताइएगा जरा। 1,00,000 के बजाय अगर हम एक स्टैंडर्ड देख लें जिसमें हम समझते हैं कि कमर्शियली आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है, जिसको आप कमर्शियल बेसिस पर स्टोर्स में सप्लाई कर सकते हैं या एक्सपोर्टर्स को बेच सकते हैं या होलसेल पे आप स्टोर सेल आउट कर सकते हैं, तो उसमें हमारा खर्चा तकरीबन जो है वो 500 बैग्स हम लगाते हैं, उसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 लाख का खर्चा आता है। तो 3 से 4 लाख के खर्चे पे आप 500 बैग्स लगाते हैं तो आपको 2 महीने बाद आपकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और तकरीबन हर बैग से अगर हम लोकल सीड्स इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम हॉलैंड से इंपोर्ट भी करते हैं, तो अगर आप हॉलैंड से इंपोर्ट करते हैं सीड्स और वो सीड्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी एक बैग से 4 से 5 kg भी मशरूम जो है वो प्रोडक्शन हो सकती है, और अगर आप लोकल सीड से करते हैं तो 1 kg तक हो जाती है आमतौर पर। तो 500 बैग्स का मतलब ये है कि आपने 500 बैग से तकरीबन 350 से 400 kg तक आपने एक पिकिंग में निकाल ली है 2 महीने बाद। इसकी आप देख सकते हैं कि जो होलसेल इसके प्राइस हैं वो तकरीबन 600 रुपीज़ पर kg से, ये मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ, वैसे ये 800 से 1200 तक जाती है आमतौर पर, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड और सप्लाई में कितना गैप है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1 kg से आपको कितना इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। ये जो एक फसल 1.5 माह तक तैयार होती है, इसका इसकी मतलब फ्रूटिंग का, फसल देने का टाइम कितना है, काश से लेकर उसको ख़त्म करने तक कितने देर में इसको लगता है टाइम, वो ज़रा बताइएगा। अच्छा, तो 3 महीने तक तो आपने लाजमी तौर पर उसको मतलब लेनी है, उससे पिकिंग रोज़ाना होगी आपकी, रोज़ाना की बुनियाद पर। 3 महीने बाद उसमें आपको कंपोस्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा और स्पॉन्स दूसरे डालने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही मिनिमल खर्चा होता है, मतलब नॉमिनल जिसको कहते हैं, बराए नाम खर्चा होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको दोबारा खर्चा नहीं। पूरी दुनिया में 18 दिसंबर किसान डे को तौर मनाया जाता है, आप कैसे कहेंगी, क्या मैसेज देंगी इस दिन को किस इस वाले से, फार्मर के लिए कोई, इस डे के मनाने वालों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज आप किस एंगल से देखती हैं? किसानों को मैसेज देने की ज़रूरत तो नहीं है, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि दुनिया में किसान अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे निकल गए हैं। आप अमेरिका को छोड़ दीजिए, आप रूस को छोड़ दीजिए, आप चाइना को छोड़ दीजिए, आप भारत में भी जाकर देखें तो भारत में किसान बहुत इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह की हो गई कि वो सड़कों पर आ गए हैं या खुदकुशियाँ करने पर अगर वो मजबूर हो रहे हैं, तो उसमें बहुत हद तक हाथ जो है वो किसानों का अपना भी होता है। ये बड़ी पॉलिटिकल सी बातें हैं, इनको एक तरफ रखते हैं, लेकिन किसान के हाथ में वो ज़मीन होती है जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा आसरा उसी का होता है किसान को। तो बजाय इसके कि आप जो कुछ अवेलेबल है उस पर किनात करके बैठने के बजाय, अल्लाह ने आपको पाकिस्तान में हर तरह का मौसम दिया है, ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन दी है, जो डाइवर्सिटी ऑफ सीजन्स पाकिस्तान में मौजूद है और टोपोग्राफिकल सिचुएशन पाकिस्तान में जितनी डाइवर्स्ड है और जितनी फेवरेबल है वो दुनिया में शायद ही नहीं। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। जी नाजरीन, आपने आज कुदसिया मुमताज की बातें सुनी, काम आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई अंदर वीए नहीं है, सोच नहीं है, बनाइए, निखारिए, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप हिम्मत कीजिए,
हम कतरा कतरा से दरिया बनता है, हम पूरे पाकिस्तान से ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक कार्टेल बना रहे हैं, यहाँ पर भाई मत लोग हों, यहाँ पर ईमानदार से काम करने वाले लोग हों और सच्चाई का स्लोगन को बुलंद करने वाले हों, वो लोगों की ज़रूरत है। क्या आप भी सच बोलते हैं? क्या आप भी झूठ नहीं बोलते? क्या आप लोगों से फ्रॉड नहीं करते? अगर ये सारी चीज़ें नहीं करते तो फिर आप हमारा सरमाया है आता है। ऐसे ही जो रोशनी के चिराग हैं जो मुख्य जगहों पर चल रहे हैं, इनको इकट्ठा करना ही हमारा मकसद है। और ये एजुकेशनल फोरम और ये एजुकेशनल वीडियोस और ये जितना काम है हम इसलिए कर रहे हैं, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी वफाओं को सुमेटने के लिए। आइए हमारा साथ दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।